नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शौर्य और वीरता की एक ऐसी गाथा लेकर आए हैं जो हमारे भारतीय इतिहास की एक बहुत ही स्वर्णिम एवं अविस्मरणीय घटना रही, परंतु जिसे हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान नहीं दिया गया। यह गाथा है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले बख्तियार खिलजी को अपनी विशाल बुद्धि और अद्वितीय युद्ध नीति के द्वारा धूल चटाकर प्रतिशोध लेने वाले खेन वंश के महान पराक्रमी एवं बुद्धिमान राजा प्रथु की, जो भारत भर में जलपेश्वर नाम से प्रसिद्ध थे। मित्रों, बख्तियार खिलजी के इस हार की शुरुआत होती है भारत के सुप्रसिद्ध एवं पूरे विश्व भर के विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय से, ज्ञान के जिस मंदिर को उस दुष्ट आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया था। अफगानिस्तान की हिलमंद घाटी में जन्मा बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी जैसे दुष्ट आक्रांताओं के साथ भारत आया, उस समय ये गोरी एवं ऐबक का एक सिपह सैलार था। आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पूरे बिहार और बंगाल के एक छोटे हिस्से को संभालने के लिए दे दिया। तब एक समय ऐसा आया था जिस वक्त बख्तियार खिलजी एक भयंकर असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया और उसके सभी नीम हकीम ने अपनी पूरी कोशिश के बाद जवाब दे दिया था। तब खिलजी का वजीर नालंदा पहुंचा और उस समय के विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध वैद्य आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीधर जी से मदद मांगी। तब राहुल श्रीधर जी खिलजी के पास आयुर्वेद की कुछ औषधियां लेकर गए, परंतु खिलजी ने उसे खाने से मना कर दिया कि मैं सनातन धर्म से जुड़ी किसी भी चीज का कभी भी उपयोग नहीं करूंगा। जिस पर राहुल श्रीधर ने खिलजी के वजीर को एक कुरान पर औषधियां लगाकर दे दी और खिलजी को देकर कहने को कहा कि राहुल श्रीधर ने यह कहा है, अगर आप यह कुरान 2 हफ्ते लगातार पढ़ोगे तो ठीक हो जाओगे। स्वास्थ्य ठीक होते ही खिलजी ने वजीर के और पूरी सभा के सामने आयुर्वेद और सनातन धर्म का मजाक उड़ाया और अपने स्वास्थ्य ठीक होने के पीछे कुरान और खुदा की ताकत को बताया, जिस पर यह सोचकर कि खिलजी सनातन धर्म का सम्मान करेंगे, वजीर ने खिलजी को उनके ठीक होने के पीछे कुरान के पन्नों पर लगी आयुर्वेद की औषधियों का सत्य बता दिया। सत्य जानते ही सनातन धर्म और आयुर्वेद के इस्लामी दवाइयों और हकीमों से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने पर बहुत जलन हुई। प्राण बचाने वाला खुदा समान होता है, भगवान समान होता है, ऐसा जानकर राहुल श्रीधर और नालंदा विश्वविद्यालय को पुरस्कृत करने के बजाय उस दुष्ट ने आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। वहां पढ़ाने वाले 200 से ज्यादा शिक्षकों और 40,000 से ज्यादा छात्रों की हत्या कर दी, जिसमें बहुत से चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और ईरान जैसे और भी अनेक देशों के धनी परिवार के विदेशी छात्र थे। एवं प्राण बचाने वाले आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीधर जी का सिर कलम करवा दिया। नालंदा के ऐसे भयंकर विध्वंस की खबर पूरे भारत और विश्व भर में फैल गई। खबर के फैलते फैलते महीने भर में ये खबर कामरूप देश, जो के वर्तमान आसाम का गुवाहाटी नगर है, वहां के राजा पृथु तक पहुंची, जिस पर राजा पृथु के हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची जब उन्हें यह पता चला कि मारे गए शिक्षकों में दर्जनों और छात्रों में सैकड़ों कामरूप के भी थे, जिसमें 1-2 राजमंत्रियों के भी पुत्र थे। इन सभी बातों से राजा पृथु के हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची।
परंतु वे तब कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि महीना बीत चुका था और कामरूप एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके मार्ग में बहुत से ऊंचे बड़े पर्वत हैं। तो सेना लेकर पर्वतों को पार कर थकी हुई सेना से खिलजी को हरा कर बिहार जीत पाना संभव नहीं था। इसलिए नालंदा के विध्वंस की इस पीड़ा को राजा पृथु ने उस समय अपने हृदय में ही दबा लिया था। फिर इस घटना को 2 वर्ष बीत गए, परंतु राजा पृथु खिलजी के द्वारा भारत में हो रही सभी गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। 2 वर्ष में उन्होंने सुना कि कैसे नालंदा के 8 महीने बाद खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और औदंतपुर विश्वविद्यालय का भी वही हाल किया जो उसने नालंदा विश्वविद्यालय का किया था, और धीरे धीरे खिलजी को पूरे बंगाल पर कब्जा करते देखा। और जब उन्होंने देखा कि खिलजी ने बंगाल के नदिया राज्य पर वृद्ध हो चुके राजा लक्ष्मण सेन से बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली है, तब उन्हें अनुमान लग गया था कि इससे आगे दुष्ट खिलजी कभी भी कामरूप का रुख कर सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। नदिया जीतकर खिलजी उत्तर की तरफ बढ़ा और 10 दिन चलने के बाद वर्तमान बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र पर पहुंचकर वहां के सभी कबीलाई लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उसके सरदार के नेतृत्व में पूर्व की ओर कामरूप पर चढ़ाई करने के लिए निकला। और अतिवेग से बहती तिस्ता नदी, जो कि भारत की बहने वाली सबसे तेज नदियों में से एक है, उस पर बने एक प्राचीन पत्थरों से निर्मित सेतु को पार कर कामरूप की तरफ बढ़ा। यहां गुप्तचरों से राजा पृथु को पहले ही इस बात की खबर मिल चुकी थी कि खिलजी कामरूप और वहां से होते हुए भूटान और तिब्बत जीतने के लिए निकला है। जैसे ही राजा पृथु को खिलजी के आने की सूचना मिली, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस एवं विक्रमशिला और औदंतपुर विश्वविद्यालय का विध्वंस उनके स्मरण में आ गया, और वह प्रतिशोध की जिस अग्नि को अपने अंदर हृदय में 2 वर्ष से समेटे हुए थे, वह धधकती अग्नि अब जाग उठी थी। उन्होंने सोचा कि यही समय है खिलजी को सबक सिखाने का, और महान पराक्रमी एवं बुद्धिमान राजा पृथु ने बड़े ही सूझबूझ से, बहुत ही समझदारी से अपनी योजना का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे अनजान खिलजी उस योजना में ऐसा फंसता चला गया कि उसकी भयंकर हार हुई, जो कि भारतीय इतिहास में राजा पृथु से पहले कभी भी किसी भी राजा ने नहीं किया था। उनकी इस योजना से प्रेरणा लेकर ही वर्तमान भारतीय सेना और विश्व भर की सभी सेनाओं ने अर्थ पॉलिसी का निर्माण किया, जिसका उपयोग वर्तमान विश्व भर के बड़े बड़े देशों की सेना युद्ध के समय करती है। उसके तहत बुद्धिमान राजा पृथु ने सिलीगुड़ी से कामरूप के मार्ग में पड़ने वाले सभी गांवों और नगरों की जनता को उनके नगरों से धन एवं अनाज लेकर खाली करवा के कामरूप की दूसरी तरफ भेजकर सुरक्षित कर लिया, जिससे 2 काम हो जाए। एक तो कामरूप की जनता उस दुष्ट आक्रमणकारी के कहर से बच जाए, और दूसरा हफ्तों से पैदल चलते आ रही खिलजी की सेना जब कामरूप के किसी भी गांव में पहुंचे तो नगर खाली मिले और ना उन्हें धन मिले एवं ना ही खाने को अनाज। दूसरा, राजा पृथु ने पूरे क्षेत्र के सभी तालाब, कुएं और बावली एवं गांव के नगरों के सभी घरों के मटकों में विष मिलवा दिया, ताकि कोई भी आक्रमणकारी कहीं का भी जल पिए तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए। और तीसरा, अपनी अद्भुत नीति का परिचय देते हुए राजा पृथु ने ऐसा करवाया कि अति वेग से बहती तिस्ता नदी पर बने कामरूप की सीमा से बंगाल की तरफ लौटने वाले एकमात्र उस पुल को अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजकर खिलजी के पुल पार करते ही तुड़वा दिया,
जिससे कि थकी हारी खिलजी की सेना जब युद्ध लड़ने में असमर्थ हो तो भाग कर वापस ना जा सके। और हुआ भी ऐसा ही। मित्रों, खिलजी की सेना जहां जहां भी जाती सभी गांव नगर खाली मिलते, ना लूटने को धन मिलता और ना ही खाने को अनाज। एवं जैसे ही कोई भी सैनिक मटकों में से पानी पीते तो 10 मिनट में ही उसकी मौत हो जाती। कुएं, बावली, छोटे तालाब से पानी पीने पर भी ऐसा ही होता। कामरूप से एक दिन की दूरी पर पहुंचते पहुंचते खिलजी की सेना का बहुत बुरा हाल हो गया था। तभी राजा पृथु ने सही समय देखकर खिलजी पर एकाएक अचानक ही आक्रमण कर दिया। खिलजी की थकी हुई सेना ज्यादा देर नहीं लड़ सकी और खिलजी की भयंकर हार हुई। एवं खिलजी अपनी जान बचाने के लिए पत्थर के उस पुल की तरफ भागा जो के कामरूप की सीमा से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था। वहां पहुंचकर उसके होश ही उड़ गए जब उसने वहां पर पुल को टूटा देखा। अब आगे नदी और पीछे राजा पृथु की सेना। खिलजी बिना कुछ सोचे अपने बचे हुए 300 सैनिकों के साथ, जिस नदी में कोई नहीं तैर सकता, उस तिस्ता नदी में पेड़ों की कुछ छोटी बड़ी टहनियों को काट कर उन्हें पकड़कर कूद गया। वेग से बहती तिस्ता नदी, जिसे तब वेगमती नदी कहा जाता था, उसमें खिलजी के सभी सैनिक डूबकर मर गए। केवल खिलजी को बचाने में प्रयास कर रहे 10-12 सैनिकों के साथ खिलजी ही बच पाया, जहां से भागते पड़ते खिलजी बंगाल के दिनाजपुर में पीरपुर नामक गांव में पहुंचा और वहां शरण ली, जहां उसके भतीजे अली मस्तान ने जब खिलजी की राजा पृथु द्वारा इतनी भयंकर हार को सुना तो खिलजी की ऐसी शर्मनाक हार देखते ही इस्लामी सल्तनत की बदनामी से बचने के लिए उसने खुद ही खिलजी को और बचे हुए उन सैनिकों को मार दिया। इतना बुरा अंत हुआ उस दुष्ट पापी आक्रांता खिलजी का। एवं अपने विशाल बुद्धि का परिचय देते हुए राजा पृथु ने कामरूप की रक्षा करने के साथ साथ खिलजी को भी धूल चटा दी। गर्व होता है सनातन धर्म और भारत भूमि के ऐसे वीर सपूतों के इतिहास को सुनकर, उन्हें याद करके। कहा जाता है राजा पृथु ने तिस्ता नदी के जिस किनारे तक खिलजी को खदेड़ दिया था, उस स्थान का नाम राजा पृथु के जलपेश्वर नाम पर ही जलपाईगुड़ी पड़ा, जो वर्तमान में बंगाल की सीमा पर है। मित्रों, हमारे देश के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता को हराकर नालंदा एवं लाखों सनातन धर्मियों की हत्या का प्रतिशोध लिया, उन पराक्रमी राजा पृथु के बारे में हमारे स्कूलों में केवल 3 लाइन का एक छोटा पैराग्राफ ही दिया गया है, जिसमें केवल ये बताया गया कि बख्तियार खिलजी की सेना कामरूप का युद्ध राजा पृथु से हारी। और महान राजा पृथु के बारे में उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी पूरा वर्णन नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति को हजारों प्रकार से नुकसान पहुंचाने एवं ध्वस्त करने में अपना पूरा जीवन लगाने वाले दुष्ट दुराचारी बख्तियार खिलजी को लेकर वर्तमान भारत की प्रत्येक स्कूलों की हर कक्षा में पूरा एक चैप्टर दिया गया है। यह वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़े शर्म की बात है। उम्मीद है मित्रों, आपको इतिहास के पन्नों से छुपाया गया बुद्धिमान पराक्रमी राजा पृथु जी का यह सत्य इतिहास जो हमारे द्वारा आपको बताया गया अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और भी अनेकों उपयोगी जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।